हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है। लॉग ऑफ एस प्लस थ्री ओवर एस प्लस टू, हमने लिख दिया एफ बार एस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एस प्लस थ्री ओवर एस प्लस टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा। नीचे लिखते हैं वी नो बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज गिवन बाय, ये प्रॉपर्टी है आप सभी को याद होगी, अगर नहीं है याद तो याद कर लीजिएगा। टी ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स माइनस ऑफ लाप्लास इनवर्स डी बाई डी एस एफ बार एस। ये प्रॉपर्टी है इसके, इसको हम अब यूज करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे करना है इसको यूज। माइनस ऑफ लाप्लास इनवर्स डी बाई डी एस, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। एफ बार एस क्या है? लॉग ऑफ एस प्लस थ्री एस प्लस टू, ये आ गया। इसको अब हम देखते हैं क्या करना है। इसको d बाई डी एस लॉग ऑफ s प्लस थ्री माइनस लॉग ऑफ s प्लस टू, इसको अब हमने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करके ये आ जाएगा। और अब इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी? माइनस ऑफ लाप्लास इनवर्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी वन ओवर एस प्लस थ्री माइनस वन ओवर एस प्लस टू। ये बहुत ही बेसिक है, आप सभी को पता ही होगा। और अब हम देखते हैं इसको क्या करना आगे। अब हम एक माइनस साइन इसका अंदर ले जाएंगे और देखते हैं फिर क्या बनता है। ये एस प्लस टू ये जो है ये इधर आ जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी, ये वाली टर्म ये माइनस हो जाएगी एस प्लस थ्री। अब हमने माइनस को इधर ले गया और अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अब हम ये लगा रहे हैं, इधर आ जाएगा e की पावर माइनस टू टी माइनस e की पावर माइनस थ्री टी। तो ये किसकी वैल्यू आई है? ये इसकी वैल्यू आई है इज इक्वल्स टू टी एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी क्या आ जाएगा? एफ ऑफ टी आ जाएगा e की पावर माइनस टू टी माइनस e की पावर माइनस थ्री टी बाई टी। ये हमारा आंसर भी है, ये हमारा आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है और आप प्रॉपर्टीज भी याद कर लीजिएगा। पीछे मैंने वीडियोस में बताया कैसे उनको याद करना है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।